हेलो गाइस, मैं हूं विक्रम खन्ना और आज मैं लेके आया हूं बॉलीवुड के कुछ फेमस डायलॉग्स। इन डायलॉग्स को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करने लगे हैं, लेकिन इस ट्रांसलेशन को करते करते बहुत ही ग्रेट फन एक्सपीरियंस होने वाला है। लेकिन इस फन में से आज हम निकालेंगे कुछ यूजफुल सेंटेंसेस एंड वोकैबुलरी जिसको हम यूज कर सकते हैं अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन के अंदर। तो शुरुआत करते हैं पहले डायलॉग के साथ। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। तो इसको कन्वर्ट करना एक फन है, लेकिन इस फन में हमको क्या मिलने वाला है? चंदू का चाचा मतलब चाचे की इंग्लिश, चंदू की चाची चाची की इंग्लिश, चांदनी रात की इंग्लिश, चटनी चटाई और वो भी चांदी की चम्मच से। लॉट ऑफ वर्ड्स। तो चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश के अंदर। चंदूस पेटर्नल अंकल मेड चंदूस पेटर्नल आंट टेस्ट सॉस विद सिल्वर स्पून एट चांदनी चौक ड्यूरिंग मूनलिट नाइट। हमको इस सेंटेंस के अंदर कुछ खास चीजें मिली हैं, जैसे चंदू का चाचा पेटर्नल अंकल, चंदू की चाची पेटर्नल आंट, चटनी दैट इज सॉस, मूनलिट नाइट हम बोलते हैं चांदनी रात को, मूनलिट नाइट। तो जो मैं नेक्स्ट डायलॉग बताना चाहता हूं वो है ओम शांति ओम मूवी का, और डायलॉग है एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। यू वुडंट नो द वर्थ ऑफ अ पिंच ऑफ अ मिलियन मिस्टर रमेश। तो अभी आपने सुने ये दो डायलॉग्स, ये बहुत ही ज्यादा फनी था मेरे लिए भी बोलना इस तरह से। तो मैंने जैसे अभी आपको बोला पिंच ऑफ अ मिलियन, मतलब जब भी आप बोलो ना चुटकी भर तो आप यूज कर सकते हो पिंच ऑफ। जैसे आपने बोला हो चुटकी भर नमक देना तो आप बोलोगे गिव मी ए पिंच ऑफ सॉल्ट। तो इसी तरह से आप बोलोगे चुटकी भर सिंदूर। यहाँ पे सिंदूर की इंग्लिश होती है व मिलियन। मैंने अब पूरा डायलॉग बोला है यू वुडंट नो, तुम क्या जानो, यू वुडंट नो इवन द वर्थ ऑफ अ पिंच ऑफ अ मिलियन मिस्टर रमेश। आपने सनी देओल का एक बहुत ही फेमस डायलॉग सुना होगा, यस यू आर राइट एंड हियर इट इज, व्हेन दिस हैंड वेइंग 2.5 kg हिट्स एनीबॉडी देन दैट पर्सन डजंट गेट अप, That person passes away. तो मैंने जैसे अभी बोला ये 2.5 kg का हाथ, this hand weighing 2.5 kg, जब किसी पे पड़ता है, hits anybody, तो वो आदमी उठता नहीं, that person doesn't get up, उठ जाता है, that person passes away. तो वो पास अवे का मतलब क्या होता है? स्वर्ग से धारणा। तो आप यूज कर सकते हो पास अवे को किसी पर्सन की डेथ के टाइम पे, दैट पर्सन पास्ड अवे। तो मैंने इसलिए यूज किया दैट पर्सन पासेस अवे, तो वो इंसान उठता नहीं मतलब वो स्वर्ग से धार जाता है। तो इस सेंटेंस के अंदर हमको दो काम की चीजें मिली हैं, दैट इज वेइंग एंड पासेस अवे। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले डायलॉग की तरफ जो कि है सलमान खान का, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, वंस आई मेक कमिटमेंट देन इवन आई डोंट लिसन टू माई सेल्फ। तो इस सेंटेंस के अंदर मैंने अभी यूज किया मेक कमिटमेंट, हम कभी भी कमिटमेंट के लिए डू नहीं लगाते, दैट आई डू कमिटमेंट, आई मेक कमिटमेंट, वी मेक कमिटमेंट्स इन अवर लाइफ। द लिट इज कॉल्ड फायर एंड द डाउज इज कॉल्ड ऐश एंड द ऐश विच इज यूज टू मेक द गन पाउडर इज कॉल्ड विश्वनाथ। तो पता चला किस मूवी का डायलॉग है? नहीं, चलिए देखते हैं। जली को आग कहते हैं, भुजी को राख कहते हैं, और जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। तो ये डायलॉग के अंदर हमको इंग्लिश में क्या मिला? जली को आग कहते हैं। अब मैंने इसके लिए यूज किया था द लिट, लाइट लिट लिट, और जो मैंने थर्ड फॉर्म यूज की है लिट की, दैट इज कॉल्ड पार्टिसिपल एडजेक्टिव, जली हुई मतलब लिट। द लिट इज कॉल्ड फायर, भुजी बुझाने की इंग्लिश होती है डाउज, तो इसकी थर्ड फॉर्म होती है डाउज्ड। तो जो पार्टिसिपल एडजेक्टिव यहां पे यूज होगा डाउज्ड, एंड द डाउज्ड इज कॉल्ड एश, और जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं, एंड द एश विच इज यूज्ड टू मेक द गन पाउडर इज कॉल्ड विश्वनाथ। तो आज हमने ये पांच डायलॉग्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, लेकिन इस ट्रांसलेशन में हमें कुछ वोकैबुलरी या कुछ सेंटेंसेस मिले हैं जो बहुत ही काम के हैं, जो आपके इंग्लिश में आगे काम आएंगे। इसी तरह की और वीडियोस के लिए अपने कमेंट कीजिए और अपना फीडबैक दीजिए। मैं फिर आऊँगा एक नई वीडियो के साथ। टिल देन हैव ए गुड डे।